मनुष्य के मन को कभी भटकना नहीं चाहिए क्योंकि मन बड़ा चंचल है। आप भगवान की माला घुमाते हैं और माँ संसार में भटकती रहती है। माँ को कभी भी विषयों में नहीं भटकने देना चाहिए। उक्त उद्गार हनुमंत धाम पर चल रहे 10 दिवसीय धार्मिक महोत्सव के चलते राम कथा के दूसरे दिन व्यास गादी से स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज ने व्यक्त करते हुए कहा कि मनुष्य को जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एक बार बोला गया झूठ कभी भी सबके सामने आ जाता है। सभी से प्रेम करो और किसी के मन को दुखाना नहीं चाहिए। कथा एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्य की व्यथा को दूर करता है। सुखी होने के लिए सब हाय हाय में लगे हैं, लेकिन उनको सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। मनुष्य को सच्चा सुख और शांति सत्संग में ही प्राप्त होती है। कथा के दूसरे दिन भगवान भोलेनाथ की धूमधाम से बारात निकाली गई तथा आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। कथा के तीसरे दिन सोमवार को कथा स्थल पर धूमधाम से श्री राम जन्म उत्सव मनाया जाएगा। कन्नौज से कमल गर्ग राही की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।